पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो जी, आज मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रही और आज जो पॉजिटिविटी की मेन वजह बनी उस पर प्राइमरीली हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन वैसे ब्रीफली, मार्केट कुछ दिनों से फिर प्रेशर में ही थी और हम तो आपको पता ही है कि जब थोड़ा नीचे होती है तो थोड़ा थोड़ा हम बाय कर लेते हैं और जब थोड़ी ऊपर जाती है तो थोड़ा थोड़ा सेल करते हैं। तो जो हमने पिछले 2-3 दिनों में शेयर्स खरीदे थे, अगर वो ऊपर गए तो हमने आज उनको निकाला और हमारी तो इसी तरह स्ट्रेटजी चलती है। हमारे दोस्त ने भी अभी कुछ मार्केट में एंट्री ली है, उसने हमसे कुछ गाइडेंस ली थी, हमने उसको कुछ बताया चीज़ें किस तरीके से लेके चलनी है। तो हमने उसको कल परसों कहा था कि यार हम तो इसी तरह, क्योंकि वो थोड़ा सा उसको समझ नहीं आ रही थी अभी कि वो किस तरीके से लेके चले। व्यू उसका भी लॉन्ग टर्म था लेकिन फिर भी वो साथ साथ थोड़ा सा थोड़ी बहुत ट्रेडिंग भी करना चाहता है। तो हमने तो कहा कि भाई ये डिप आती है तो हम तो थोड़ा थोड़ा बाय करते हैं, तो तुम देख लो, तुमने अगर बाय करना है तो। अब देखिए, जब बंदा नया नया आता है, जारी बात है, वो सिर्फ एक बंदे की नहीं सुनता, बहुत सारी वीडियोज़ देखता है, बहुत लोगों की सुनता है और वो पता नहीं किस किस की वीडियोस देख रहा है, सुन रहा है। तो उसने हमें कहा कि जी मार्केट का तो स्ट्रक्चर टूट गया, अब तो मार्केट काफ़ी नीचे चली जाएगी, तो मैं तो अभी बाय नहीं कर रहा। तो हमने कहा भाई आपकी मर्ज़ी है, और आज मार्केट ऊपर है। अब ये इस तरीके से हम तो कभी, हमने तो आज तक कभी ज़िंदगी में टेक्निकल्स को देखा ही नहीं है और उसके बावजूद इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट हमने बनाया है कि अल्लाह का बहुत फजल और शुक्र है। तो हमारे मुताबिक तो उसको देख के चलना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है अपनी अपनी मर्ज़ी हर एक की। और अगर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में भी है तो इस तरीके से सीधा डाउन तो नहीं जाती ना, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो हम तो बीच बीच में भी थोड़ा सा पैसा बनाते रहते हैं। फिर एक भाई ने हमें कहा, आपको पता है हम जनरली कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं और बीच में थोड़ा बहुत हम ट्रेड भी करते रहते हैं। तो एक भाई ने कमेंट में लिखा कि आप ये ना कहा करें कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप कहें कि आप बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ करते हैं। तो भाई इससे बड़ा वाहियात और भी कोई होगा, लेकिन ये भी एक बहुत ही वाहियात वर्ड है एक स्ट्रेटजी के तौर पे जिसे स्टॉक मार्केट में शेयर किया जाता है, डाला जाता है। बड़ा लोग जो है ना कह देते हैं कि जी बाय ऑन डिप करें और सेल ऑन स्ट्रेंथ करें, लेकिन ये आज तक किसी ने कभी किसी को बताया ही नहीं है कि भाई डिप है क्या और स्ट्रेंथ क्या है। एक शेयर जो 50 से 500 पे चला जाता है उसकी डिप क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और वही शेयर जब 500 से 50 पे आता है तो बताएं भाई कि डिप क्या है। 500 से जाके जब 450 पे आए तो वो डिप है, या 50 से जब 55 पे गया तो स्ट्रेंथ है। तो ये किसी को नहीं पता, हवाई बातें सारे करते हैं और सबको मामू बना रहे हैं। तो भाई हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और बीच बीच में हम अपनी ट्रेड छोटी मोटी करते रहते हैं, यानी कि हमने कोई शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा, 1000 शेयर खरीदा, तो जब वो थोड़ा सा ऊपर गया हमने 10 शेयर बेच दिए, नीचे आया 10 शेयर खरीद लिए। इससे हमारा कोई ये नहीं चेंज हो जाता कि हम लॉन्ग टर्म नहीं है, वो तो छोटा मोटा, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है और उसको हमने सोचा कि भाई थोड़ा बहुत इसमें हमें इसी तरीके से थोड़ा बहुत आपको करते रहना चाहिए ताकि आपकी एवरेज भी बेहतर हो और थोड़ा सा छोटा मोटा गेन भी मिलता रहे, वरना प्राइमरीली हमारा होता लॉन्ग टर्म के लिए है, बल्कि टारगेटेड होता है हमारा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारा टारगेटेड होता है। यानी कि हम असेस करते हैं कि कोई शेयर 3 या 4 साल में डबल हो सकता है कि नहीं, हम उसमें बैठ जाते हैं। अब अगर वो 3 महीने में डबल हो जाता है तो हमारा टारगेट अचीव हो गया लॉन्ग टर्म, तो हम उसमें से निकल जाते हैं। तो ये टारगेटेड ट्रेडिंग है प्राइमरीली एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ, लेकिन जब टारगेट अगर शॉर्ट टर्म में अचीव हो गया तो हम निकल गए। तो ये है हमारी स्ट्रेटजी। बाकी आप दूसरों से अजीबोगरीब जुमले सुन के हमें उनका जिक्र हमारे साथ नहीं किया करें तो बेहतर है, हमारी बात आपको समझ आती है तो अच्छी बात है, वरना फिर आप दूसरों की वीडियो देख लें भाई। अच्छा जी, तो अब अगर हम चल के मारी का रिजल्ट देख लेते हैं। मारी का रिजल्ट आज आया और उसके बाद उसको कैप लगा, तो अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा रहा। पहले इसका रिजल्ट देखते हैं, इसका अगर नीचे आए तो साल का रिजल्ट था और सेल्स भी इसकी ज्यादा हुई हैं पिछले साल के मुकाबले में, ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ है, नेट प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ है और ईपीएस 420 के मुकाबले में 580 हो गया है, तो काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तकरीबन कितना बनेगा ये, तकरीबन 40% बन जाएगा, 30-35-40% बन जाएगा इंक्रीज, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब ये रिजल्ट आया तो हमने देखा कि भाई इसने 134 रुपए का डिविडेंड दिया है। अब पिछले साल इसने कोई 65 या 70 रुपए का डिविडेंड दिया था एनुअल पे, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस वही थी
और जैसे ही ये डिविडेंड आया तो हमें लगा कि यार ये डिविडेंड एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया है तो इस शेयर को थोड़ा सा खरीद लेना चाहिए। तो लेकिन बात वही होती है ना कि कई दफ़ा आप बड़े तवज्जो से देख रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, क्विक डिसीजंस लेने की सलाहियत भी आप में होती है, लेकिन किस्मत जब आपका साथ ना दे तो फिर कई दफ़ा बस ऐसे ही होता है। जैसे आपको याद है जो हमारे बड़े अरसे से हमारे साथ हैं कि जिस दिन पार्क सुजुकी का रिजल्ट आया था और उसको रिजल्ट आते रिजल्ट नहीं, जब उन्होंने बायबैक अनाउंस किया था तो अनाउंस करते ही 1-2 मिनट में उसको कैप लग गया था और फिर वो 150 का कैप 470 पे खुला था। तो हमने उस दिन जो है हमारे पास पैसे भी कोई मुनासिब पड़े थे, कोई तकरीबन 20-21 लाख तो शायद होंगे जो फालतू पड़े थे, लेकिन उस दिन हमारे जो ब्रोकर है उसका सिस्टम ही डेड था। और क्योंकि ऐसी न्यूज़ के बाद हमारा था काफ़ी कि अगर अगर हमारा वो सिस्टम चल रहा होता तो शायद हम वो सारे पैसे उस वक्त उसमें लगा देते, कम से कम 5 लाख के तो हम खरीद ही लेते, लेकिन वो हम कर नहीं सके। तो किस्मत क्या कह सकते हैं। और आज ये हुआ कि आज भी हमारे पास तकरीबन हमारा यही ख्याल था कि इतने ही पैसे पड़े होंगे, तो जैसे ही ये रिजल्ट आया हमने सिर्फ डिविडेंड देखा अभी तो हमें लगा ये इसको ना आज डिविडेंड अच्छा आया है तो अपर कैप लग सकता है। हमने 1,000 शेयर्स डाल के ना ऑर्डर प्लेस किया तो जी मैसेज आ गया कि भाई आपका जो है ना एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, इतना आपके पास पैसे नहीं है। अब एग्जैक्ट क्योंकि हमें पता था कि लगने को एकदम कैप लग सकता है, तो अब हम इतना टाइम नहीं था क्योंकि एप्लीकेशन अभी भी मसले कई दफ़ा करती है, सही चलती नहीं है, इधर आगे पीछे करने में वो क्रैश हो जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो हमने जो है हमने कहा कि यार हमारे पास तकरीबन मतलब 15 लाख तो पड़े ही होने चाहिए, तो हमने फिर ऑर्डर ठक करके लगाया 500 शेयर्स का और कि इतने तो मिल ही जाएंगे। तो अभी उस टाइम पे कैप नहीं लगा था, हमने 500 शेयर्स का लगाया ठक करके और वो लग गया। तो और फिर हमें हमने ख्याल किया कि शायद 100 शेयर्स और मिल जाएं, तो हम 100 शेयर्स और चेंज किया वहां पे और उसका ऑर्डर लगाया, और इतने में मैसेज आया कि वो आपका इनवैलिड लॉगिन, यानी कि वो जो आईडी हम डालते हैं ना वो खरीदने के टाइम पे वो कहीं तेजी में वो गलत लग गया तो वो 500 वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बहरहाल 100 वाला एग्जीक्यूट हो गया और उसके बाद हम दोबारा 500 वाला डालने लगे, तब तक में अपर कैप लग गया। तो आज एक अच्छी खबर आई, एक बुरी खबर आई और एक अच्छी खबर हमारे लिए। अच्छी खबर ये कि मार्केट ओवरऑल काफी पॉजिटिव रही, फिर बुरी खबर ये कि हमारा वो 500 शेयर्स या यूं समझे 400 शेयर्स हमसे मिस हो गए जो कि काफी आगे जाके अच्छे हो सकते थे। और जो एक अच्छी खबर होगी, एक बुरी खबर होगी, और एक और अच्छी खबर ये है कि चलो अल्लाह का फजल हुआ कि हमारे हमें वो 100 शेयर्स तो मिल गए ना। देखें कुछ ना होने से कुछ होना बहुत बेहतर है, जितना आपकी किस्मत में मिलता है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कोई चीज़ मिस हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर रोना शुरू कर दें। बहरहाल तो अब कमाल देखें क्या हुआ, जब वो अपर कैप लग गया तो हमने कहा यार थोड़ा सा ना अब हम इसको ना रिजल्ट्स को थोड़ा तफसील से देख लेते हैं। अभी तो हमने सिर्फ डिविडेंड को देख के ना हमने कहा कि ले लेना चाहिए, अब वो ले लिया तो हमने कहा थोड़ा सा तफसील से जायजा लेते हैं। हमने पढ़ना शुरू किया, ओए ये क्या 800% बोनस शेयर्स, दिमाग खराब हो गया इस कंपनी का, पागल हो गए ये, चाहते क्या है ये डैश डैश डैश। असल में ये बहुत ही ऐसे ज्यादती है कंपनी की, अगर उनको देना चाहिए तो थोड़ा थोड़ा करके दें, इस तरीके से बहुत ज्यादती है। ज्यादती के साथ साथ एक अच्छी बात यह है कि बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, वो ये किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, उन्होंने ये खबर बाहर नहीं निकली, क्योंकि अगर ये खबर बाहर निकली होती तो पता नहीं कितने दिनों से इसको कैप लग रहे होते। तो हमें लगता है कि इतने सारे बोनस शेयर्स देना ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। 100% से ज्यादा बोनस एक टाइम पे नहीं देने चाहिए, उनको पार्ट्स में करके देने चाहिए, ये बहुत गलत बात है। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे हमने कहा ना, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि उनकी मैनेजमेंट ने बहुत ज़बरदस्त ये काम किया है, डायरेक्टर्स ने, कि ये खबर आउट नहीं होने दी। तो बहुत ज़बरदस्त है ये कंपनी इस हिसाब में, इसके जो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, तो हमें उस हिसाब से बड़ी खुशी है ये इन्होंने जो भी इसके ऊपर जो है ना किसी को नहीं कानो कान खबर होने दी। तो अब देखें कंपनी ने ऐसा किया क्यों है। आमतौर पे कंपनियां इसलिए इस तरह करती हैं कि अगर उनके शेयर अर्निंग बहुत ज़्यादा होने लग जाए और शेयर की वैल्यू बहुत ऊपर चले जाए तो फिर वो मार्केटेबल कम हो जाता है, बहुत कम लोग उसमें ट्रेड करते हैं,
इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उनका ख्याल ये है कि भाई इसको जो है ना हमें थोड़ा सा नीचे लाना चाहिए, इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतने ज़्यादा लोग इसमें ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें इंटरेस्ट कायम रहेगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? वैसे तो इस न्यूज़ के बाद हमें लगता है कि इसका कैप इतनी जल्दी अभी खुलने वाला नहीं है, ठीक है? तो लेकिन सपोज करें कि आज इसका कैप यहीं पे खुल जाता है 2800 के ऊपर, तो इसकी एक्स होने के बाद इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? इसको आप 8 से डिवाइड कर दें तो तकरीबन 300, बल्कि 9 से कर दें, 9 या 8 वो करके देख लें आप, लेकिन तकरीबन मतलब 300 रुपये शेयर की वैल्यू बनेगी। एट द सेम टाइम ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट होगा? उसको भी आप 8 से डिवाइड कर दें, बल्कि 9 से कर दें, क्योंकि अभी 100 शेयर्स हैं ना, तो वो 900 शेयर्स हो जाएंगे, तो आप 9 से डिवाइड कर दें, तो इसकी अगले साल की ईपीएस अगर इसी तरह जारी रही तो वो तकरीबन जो है कितनी बनेगी, 70, हाँ 60, 60 से 70 के दरमियान बनेगी, लेकिन वो ऊपर गई तो जारी बात है ऊपर जाएगी, तो ये इसका इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर। और अगर 60 की ईपीएस भी इसकी जारी रहती है, फिर भी इसकी जो फेयर वैल्यू है वो तकरीबन जो है ना, क्योंकि ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका है ना कई दफा, फिर इन रियलिटी इसकी फेयर वैल्यू तो वहीं पे रहनी चाहिए जहां पे आज है, और उसकी मार्केट वैल्यू भी वहीं पे रहनी चाहिए, लेकिन ये इतना सारा जो बोनस दिया है उसकी वजह से मार्केट में कोई पता नहीं ये शेयर कहाँ जाके रुके। ये भी हो सकता है कि ये शेयर जो है 10,000 तक इसका कैप ना खुले, या अगर उसकी इसकी पहले देख लेते हैं कि इसकी वो कहाँ पे है। हाँ अभी इसका बहुत टाइम है, बुक क्लोजर जो है 18 सितंबर को है, यानी कि एक महीना है, तो एक महीने में तो पता नहीं 20-25 दिन निकल आएंगे, और अगर रोज इसको कैपो कैप लगता रहे तो कोई पता नहीं ये जो है ना 10,000 रुपये तक इसकी वैल्यू, इसका कैप ना खुले। अगर सपोज करें, यू नेवर नो कि मार्केट किस तरह बिहेव करती है, ठीक है, अगर इसका कैप जल्दी खुल जाता है, यानी कि कल ही खुल जाता है या मंडे को खुल जाता है, तो आंखें बंद करके इसमें कुछ ना कुछ शेयर्स ले लेने चाहिए, क्योंकि अगर सपोज करें कि वैसे तो जैसे हमने कहा ना कि जो हिस्ट्री हम देख रहे हैं 800% बोनस के बाद कैप इतनी जल्दी नहीं खुलता होता, फिर 100-100 जो शेयर बोनस देते हैं उनकी वैल्यू डबल हो जाती है, तो 800 वाले के साथ पता नहीं क्या करते हैं मार्केट। तो अगर आज सपोज करें कि अगर आज इसकी वैल्यू 300 पे ओपन होती है, तो चाहे इनकी ईपीएस 60-70 रुपये रह जाए, सिर्फ इसकी हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बेसिस पे इसकी वैल्यू 300 से बहुत ऊपर चली जाएगी, ये हमारा अंदाजा है, ठीक है? देखिए फाइनेंशियल टर्म्स में जैसे हमने बताया ना कि बोनस का जीरो इम्पैक्ट होता है, लेकिन मार्केट के टर्म्स में क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इस चीज का, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। हम सिर्फ ये कहेंगे कि यार अगर आपके पास आज ये शेयर है तो आप इसको ना बेचें, अभी इसको अपने पास ही रखें, ठीक है? इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, या फिर काफी ऊपर चला गया तो फिर सोचें। और अगर नहीं है, और अगर इसको अगले 2-3 दिन में कहीं पे मिल सकता है तो इसको लेना चाहिए, ठीक है? डिसीजन आपका अपना है, लेकिन हम लेंगे इसमें। आप यूँ समझ लें कि अगले 2-3 दिन के अंदर अगर हमें मिला, जो कि हमें डाउट है कि मिलेगा, लेकिन अगर मिला तो लेना चाहिए, ठीक है? और अगर कुछ ऐसा हो गया कि भाई इसकी वैल्यू यहाँ से ऊपर गई ना, और ये एक्स हो गया और यहीं पे 300, 350 पे खुला, तो फिर भी यार ये एक साल में आपको लाजमी जो है ना कम से कम डबल तो होके दिखाएगा ये शेयर, कम से कम है ये। तो अगेन हमारी असेसमेंट के मुताबिक, गैब हम नहीं जानते, तो इसके लिए पॉइंट यही है कि अगर आपके पास है तो इसको बिल्कुल ना बेचें, और अगर मिलता है तो ले लें, अगर इसका लॉक खुल भी जाए तो भी इसका थोड़ा सा मतलब यहीं पे कल परसों अगर कोई अगले 2-3 दिनों में लॉक खुल जाए, तो अगर आपने नहीं नया नहीं भी लेना फिर भी ये ना बेचें, इसको आप रखें जब भी डाल के बैठ जाएं इसमें। तो ये है जी हिसाब किताब। लेकिन और आपको पता है वैसे ना कि देखें अभी आजकल वो तेल के कुएं, कहीं इसकी डिस्कवरी उसकी डिस्कवरी, ओजीडीसी ये वो होती जा रही हैं, तो हो सकता है इसके लॉन्ग टर्म में ईपीएस और ज़्यादा इनको बेहतरी की उम्मीद हो, और अगले साल में फिर वो 60-70 की बजाय वहां पे भी 80-90-100 तक चला जाए। तो इसलिए मतलब इसको अगर है आपके पास तो रख लें, लेकिन ये है कि अगर आपको कोई बहुत ज्यादा ऊपर जाके
हम रिकमेंड नहीं करेंगे, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से डबल हो जाता है 5 साढ़े 5 हज़ार पे जाके, अगर इसका कहीं कैब खुलता है तो फिर आप अपनी मर्जी से फैसला कीजिएगा। हमारा ये ख्याल है कि नेक्स्ट 2 या 3 डेज में अगर इसका लॉक खुल गया कहीं पे तो वहां पे बाय करना चाहिए, उसके बाद आपकी अपनी मर्जी है। वैसे तो अगले 2-3 दिन में भी आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मतलब हम तब बाय करेंगे अगले 2-3 दिन में मिल गया, वरना फिर हम ये 100 शेयर्स काफी हैं यार। अल्लाह मालिक है, जितना मिलता है प्रॉफिट अल्लाह का शुक्र अदा करके उसको इंजॉय करना चाहिए। लेकिन यह है कि अन्नी फेर दी इन्होंने और इसी की वजह से मार्केट ऊपर गई, और फिर ओजीडीसी भी कैप के पास चला गया और पीपीएल भी। देखिए, ओजीडीसी पीपीएल से जरूरी नहीं आप एक्सपेक्ट करें कि वो बोनस देंगे, देने को दे सकते हैं, लेकिन पॉइंट यह है कि क्योंकि इन्होंने डिविडेंड इतना अच्छा दिया तो उससे लोगों की ये उम्मीदें हो गई हैं प्रॉबली कि इस ईयर एंड पे ओजीडीसी और पीपीएल भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिविडेंड दे देंगे। कोई पता नहीं, वो तकरीबन 1.5-2 रुपए का देते हैं एक क्वार्टर में, तो हो सकता है ओजीडीसी 5 रुपए दे दे और पीपीएल 3-4 रुपए दे दे, तो इसलिए उसकी वैल्यू ऊपर चली गई है। तो उसको तो वैसे ही हम, आपको पता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको लेके रख लें, इस तरह वो प्रेशर में रहते हैं तो उनसे टेंशन ना लें, बस को लॉन्ग टर्म का सोच के रख लें, तो उनकी वैल्यू भी हमारे मुताबिक अगले 3 साल में डबल हो सकती है। तो अब देखें, उससे पहले होगी तो और बात है। तो ये था जी चक्कर। अच्छा, हमने वो इसका एक दफा वो रह गया, वो देख लेते हैं, एक दफा इसका मारी का ट्रेंड देख लेते हैं क्वार्टरली। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। तो ये देखें जी, मारी का ट्रेंड जो है, अगर हर क्वार्टर पे देखें तो अच्छा, इस क्वार्टर में सेल्स इनकी कम हुई हैं लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। पिछले क्वार्टर में ग्रॉस प्रॉफिट कम था तो पता नहीं उसकी क्या वजह है, लेकिन इस दफा ग्रॉस प्रॉफिट वापस पहले 2 क्वार्टर्स के साथ मुकाबले पे आ गया, और कुछ कॉस्ट इन्होंने कम की होगी जिसकी वजह से ईपीएस सबसे बेहतर रहा इस क्वार्टर में 192 रुपए का। तो ये भी हो सकता है, अगर अगले 4 क्वार्टर्स में 192 का ईपीएस चलता रहे तो तकरीबन तकरीबन इस तरह 80-90, वो एक्स होने के बाद अगले साल का रिजल्ट भी 80-90 की कमाई हो सकती है। तो बहरहाल, कहने का मकसद ये कि यार, अभी अगर आपके पास है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और बेचना बिल्कुल नहीं है। ओके जी, ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तजिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।